फ्रेंड्स, जैसा कि सब जानते हैं कि शिक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग एक वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और ये 12 तारीख तक चलेगा। इसके अलावा वर्ग दो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 से स्टार्ट होगा और ये शायद 25 तक चलेगा। तो अभी तक जो भी शेड्यूल डेट्स थी वो उन्हीं पर हो रहा है, लेकिन कल से जो कुछ बातें चर्चाएं चल रही हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई, अच्छा, उसके अलावा लॉकडाउन की भी चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं कहीं पर किसी किसी ज़िले में लॉकडाउन भी लग गया है और पाबंदियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ऐसा भी हो गया है कि शाम को 6 बजे से दुकानें बंद हो जाएंगी ज़्यादातर जेलों में, और कई तरह की पाबंदियां अब लगना शुरू हो गई हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के माइंड में एक प्रश्न था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर भी कोई असर पड़ेगा। तो इसी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की तरफ से आई है, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि लोगों के मन में एक चिंता का भाव तो उत्पन्न हो ही जाता है, क्योंकि जुलाई में भी ऐसा ही हुआ था। 3 दिन वेरिफिकेशन चला था और उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर, यातायात सुगम ना होने का बहाना बनाकर रोक दिया गया था प्रक्रिया। लेकिन अभी जो इन्हीं सब डाउट्स को दूर कर रहा है चयनित शिक्षक संघ का ये संदेश, तो ये महत्वपूर्ण सूचना है मैं आपको, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। तो ये मैं भी ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। तो क्या है संदेश, देख लेते हैं। सारे जिलों में पहले की तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहेगा, शनिवार को भी चलेगा। लॉकडाउन इस तरह का नहीं लगाया जा रहा है कि सरकारी प्रोग्राम, परीक्षा इत्यादि पर कोई रोक लगे, ये संपूर्ण लॉकडाउन की तरह नहीं है। इसलिए आराम से तैयार रहिए, एक आध दिन में नियमों में और अधिक स्पष्टता आ जाएगी। ये मैसेज सभी जिलों के ग्रुप में भेजा जाए ताकि अफवाहों के फैलने पर रोक लगाई जा सके। कल से शुरू होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा जारी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है, तो हाल फिलहाल किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वेरिफिकेशन अपने जो शेड्यूल है उस हिसाब से यथावत चलता रहेगा। तो यही महत्वपूर्ण सूचना थी आपके लिए, और हम मिलते हैं अगली अपडेट, अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। और हाँ, मेरी तरफ़ से भी जो भी वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और तब तक टेक केयर, थैंक यू सो